इसी हाल में बोलेंगे कि बैठो आप लोग, तो कैसे लोग आके बैठेंगे। और हमारे नाम पे टेंडर उठा उठा के खाया जाए। 2 एकड़ का प्लॉट भी वहाँ है जहाँ पर कब्रिस्तान बनाने के लिए 3 साल लग गए। MMA 6 करोड़ रुपए उठाए ना हमारे नाम पे, वहाँ पे भरनी चालू है और बोलते जाके बैठो। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपने पैसे पास कराने के लिए ये स्कूल हर वक्त उजाड़। आपने हमको आश्वासन दिया था कि मार्केट बनेगी, कोई NCP पार्टी में शामिल क्या होने, हमको जाना ही नहीं NCP। निशांत भाई, जो गुलाब पार्क मार्केट लगाई जाती थी उस पर मनपा का कार्रवाई हुआ, पूरा तोड़ दिया गया। अभी आप लोगों ने मीटिंग के लिए मनपा से बातचीत की थी, कुछ लेटर वगैरह भी दिए है मार्केट लगाने के लिए, क्या बातचीत हुई? अस्सलाम वालेकुम। मनपा से हमारी बातचीत उसी दिन हुई जिस दिन आप लोग देखिए कार्रवाई हो रही थी, तो उन्होंने क्या बोले बाद में बात करता हूँ। फिर हम लोग दूसरे दिन गए तो उन्होंने क्या बोले, मंगलवार को साहब का राउंड अप है, फिर आप उसके बाद बात करेंगे। फिर हमने लेटर दिए, 6 जगह लेटर दिया हूँ, और हमने ये भी मांग किया हूँ कि किसके आदेश पर यह कार्रवाई हुआ है उसके मैंने माहिती भी मांगा हूँ, और 6 जगह भी हमने लेटर डाल के आए हैं अपने मीटिंग के लिए। भाई हमको आपसे पर्सनली मीटिंग करना है। हमारे जायज वही मांग है भाई, हमारा हॉकस प्लाजा दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले भी तो उन्होंने हमको जब जगह दी तो हम धंधा कहाँ लगा रहे थे यहाँ पे। तो मजबूरी है, फिर हमको यहीं पे धंधा लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी बातें चल रही है कि इस मार्केट में जो है अवैध रूप से पैसों की वसूली चल रही थी, इस वजह से भी जो है शिकायत पहुंची थी, फिर कार्रवाई हुई है। भाई अगर आपके पास कोई शिकायत जाती है अवैध रूप से वसूली हो रही है तो आप हमको बुलाओ तो सही, बुला के पूछताछ करो ना हमसे। हमारे पास जो 30 रुपये की पोती है वो हमारे पास चलती है, हमने जो मीटर लगाए हैं मीटर का हमने एक बल्ब का 500 रुपये चार्ज रखे हैं, बाकी हमारे पास तो कोई अवैध नहीं है काम। एक बल्ब का 500 रुपये, 500 रुपये हमने लेते हैं, 80 से 90 रुपये हर महीना हमारे पास बिल आता है। एक बल्ब रहता है वो भी 2 से 3 मिल के ना एक बल्ब लेते हैं। 400 हॉकर्स है ना इनके मीटर, देखो 3 पीस का हमारे पास मीटर है 30 किलो का, उसके बाद से जो भाजी वाले हो हमसे लाइट नहीं लेते, उनको भाजी की उनको लाइट की जरूरत पड़ती नहीं है। जो कपड़े वाले हैं 150-200 वो लाइट लेते हैं हमसे, उसमें भी कैसा है दो धंधे वाले मिल के ना एक कभी ले लेते हैं कभी एक दो ले लेता है, ऐसा करके मुश्किल से हमारे पास 180 से 190 कनेक्शन है। बात सामने आ रही है कि आप 30 रुपया जो पर डे एक हॉकर से ले रहे हैं, उसके अलावा हर महीने का एक हॉकर से 5,000, 6,000, 4,000 इस तरह से वसूली कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? एक आदमी साबित कर दो लाके हमारे पास, ऐसा कोई बंदा बोल देवे कि 30 रुपये के बाद इरशाद ने 10 रुपये एक्स्ट्रा किसी से लिया हो या कोई भी कमेटी वाला लिया हो। वो भी हम लोग पावती देते हैं, हमने बेगर पैसे बेगर पावती का 1 रुपया हमने नहीं देते। ये रणनीति हो रहा है कैसा है, इससे पहले देखो जो 2014 में जो रणनीति हुई थी ना वो रणनीति फिर लागू, लोगों को ना हमारी यूनियन में घुसना है, हमारे को बिक करना है उन लोगों को, कैसे बोले इरशाद को कमजोर करेंगे तो जो इरशाद का हॉकस है इसके खिलाफ जाएंगे, और फिर हमको कुछ है पॉलिटिक्स लेवल के लोग हैं हाँ जो हमसे खेलना चाह रहे हैं कि देखो 2014 में उन्होंने ऐसी काम किए हमको अंदर डाल दिए, 365 उस टाइम पर हमारे हॉकस थे जो MMA में हम जब शिफ्टिंग लिए थे तो 200 हॉकर्सों को हम लोगों को दिया गया था और 165 हॉकर्स को अकाल दिया गया था, यही हमारा यूनियन का जो कार्ड था ना उसको बोला गया ऐसा फेंक दिया गया, बोले यानी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया गया। फिर मैंने जब जेल में से आया हूँ तो वही टोकन उसी जगह का हमने जो लोगों ने दूसरे को दिया था उसको कैंसिल करके फिर हमने जायज जो हॉकर्स हमारे थे जो लीगल थे जिनके पास राशन कार्ड है आधार कार्ड है उनको हमने जो हमारे पास रजिस्टर्ड होकर से फिर हमने उनको बैठाया और उनको टोकन दिया वहाँ पे, मगर वो फ्लॉप हो गई मार्केट, वो मार्केट भी लीगल थोड़ी थी वो भी अनलीगल थी। अभी मनपा अधिकारियों से आपकी किसी भी तरह से कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं हुई है और ना हमको कोई किसी ने अभी तक बुलाया है। आप सिर्फ निवेदन देकर आएंगे? सिर्फ अभी निवेदन दे के आया हूँ कि भाई हम लोग आपसे ना मिलना चाहते हैं, लीगल तरीके से अभी मिलेंगे और हमारा वकील भी मिलेगा आपसे और वकील से बातचीत हमारा वकील ही बातचीत करेगा आपसे। आप एडवोकेट की बात करें तो अगर आपको नहीं मिलता है रूप में धंधा लगाने का और आपका जोन भी नहीं मिलता है तो क्या आप कोर्ट जाएंगे? इंशाल्लाह, दूसरा कोई हमारे पास पर्याय नहीं है अभी। देखिए वो बोलते ना कि ये लोग अचानक आगे बैठ गए, ठीक है ये अचानक का कोई काम नहीं है भाई, हमने सबसे परमिशन लिया उसके बाद यहाँ पे आके बैठा,
ये जब गुलाबपार में हम बैठे थे ना, तो गुलाबपार से हटाने के लिए ना हमको ये लेटर दिया गया था मित्तल में जाने के लिए, ठीक है। और वहाँ से जब वो रोड का काम हमारे वजह से बंद पड़ा हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर उनकी जान खा रहा था, तो फिर हमको बार बार ना रिक्वेस्ट किया गया, पूरे मार्केट वाले गवाह हैं, कितने बार हमको गोसाई साहब ने बुलाए, सागर सोलंकी साहब ने बुला के हमको ना मीटिंग करके, और फिर इन्होंने हमको लेटर दिए, और ये लेटर अवार्ड साहब के बोलने पे हमको मिला है। मैंने वहाँ पे गया था, गोसाई साहब मैं और हमारे वो लतीफ़ भाई थे, अवार्ड साहब से मिले, और फिर गोसाई साहब ने बोले कि इन लोगों को टेम्पोररी हम डेढ़ महीने के लिए गुलाबपार में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अवार्ड साहब बोले ठीक है, और उन्होंने क्या बोले जब मित्तल में हो जाएगा मार्केट तो फिर उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिए। हम लोग भी एक्सेप्ट किए भाई, डेढ़ महीना नहीं छः महीना, साल भर के ऊपर हो गया, मगर अभी तक उस हॉकर्स प्लाजा का ना कोई ठिकाना है, अभी तक हमको प्लॉट का ही ठिकाना नहीं, वो प्लॉट है कहाँ 2 एकड़ का, सपने में है कहाँ है मालूम ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि आपको गुमराह किया जा रहा है? गुमराह नहीं किया जा, हमारे से खेला जा रहा है और हमारे नाम पे टेंडर उठा उठा के खाया जा रहा है। कौन खा रहा है? कौन खाएगा? आप खुलासा करें ना, कौन खा रहा है आपको मालूम है कौन खा रहा है? अच्छा यहाँ पे अभी जो एमएमएल में जो 6 करोड़ रुपया कौन खाया? एमएमएल में 6 करोड़ रुपया उठाए ना हमारे नाम पे, किसने खाया? आपको नहीं क्यों आप माहिती मारो ना। 3 बार मार्केट बन चुकी है, एक एमएम वैली में बनी, वहाँ पर 2 बार को बंदी, 1 बार नहीं 2 बार को बंदी है, उसके बाद में मैं कंपनी के सामने वहाँ पर मार्केट बना, वहाँ पर बोले वहाँ पर लेकर जाएंगे, वहाँ पर नहीं दिए, यहाँ पर जब लगाए थे इन लोगों को, ये रोड का काम चालू करना था, हमको यहाँ से मित्तल भेजा गया, मित्तल से फिर वहाँ का काम चालू करना था, फिर यहाँ पर भेजा गया, अब वहाँ पर उनका काम हो चुका है, अब ये बोल रहे 2 एकड़ का प्लॉट है, 2 एकड़ का प्लॉट भी वहाँ है जहाँ पर कब्रिस्तान बनाने के लिए 3 साल लग गए, 3 साल भरनी करना पड़ा, वो कब्रिस्तान जब जाके कब्रिस्तान बनाए हो, वहाँ पर ये लोगों को हॉकर्स को भेजना चाहते हैं, ये हॉकर्स को यहाँ से उठा के बोल रहे हैं वहाँ जाओ, कैसे जाएंगे तुम हमको हॉकर्स प्लाजा बना कर दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। आज TMC सिर्फ अपनी नाकामी जो है उनकी, कलवा में मार्केट है, थाना में मार्केट है, डोंबिवली में मार्केट है, मुमरा में एक भाजी मार्केट है, पूरा कहीं पर भी पूरे मुमरा कौसा में भाजी मार्केट या कुछ भी नहीं है, कोई हॉकर जोल लीगल हॉकर जोल नहीं है, इनका बस यही है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपने पैसे पास कराने के लिए ये स्कूल हर वक्त उजाड़ते, और आज भी यही हो रहा है। 2 एकड़ का प्लॉट, अब वो 2 एकड़ के प्लॉट में सिर्फ खेल खेला जाएगा, वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ पर हम लोगों को जो प्लॉट बताया था वहाँ पर तो पत्थरे लग गए, और वहाँ पर अभी भरनी करने के लिए सब करने के लिए भरनी चालू है, वहाँ 3 साल तो कब्रिस्तान बनने लगा। आपको हॉकर जोन के लिए बताई गई थी, वहाँ पर भी भरनी चालू है, जो हमको ना हॉकर्स का प्लाजा जो बताया था ना यहाँ पे बनेगा, ये जगह सर्वे नंबर वन में कुछ भी नहीं बताया, जगह हमको बताया था गुसाई साहब ने ले आके, वहाँ पे हमारे मार्केट के लोग भी गए थे, हम लोगों ने देखे, मगर आज भी आप चलो दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे भरनी चालू है और बोलते जाके बैठो, उस भरनी चालू में हम लोग जाके बैठ जाएं, क्या कुछ भी बोलते हैं आदमी कुछ भी। आप पैसे खाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दरअसल कौन कौन है जो आप लोगों के हॉकर जोन के साथ खेल खेल रहा है, पैसे आप लोगों के हॉकर जोन का खा ले रहा है, उसका कुछ खुलासा करिए ना भाई। खुलासा अभी इसके बारे में अपने को आइडिया नहीं है, इसकी माहिती मारनी पड़ेगी, और माहिती से जब मालूम पड़ेगा इसका टेंडर कौन निकाला था, जो टेंडर निकाला होगा वही लिया होगा पैसा, और टेंडर पास किसने किया, और टेंडर के पीछे की सपोर्ट किसका था तो मालूम पड़ेगा ना। अभी हवा में मैं आपको बोल दूं इसने खाया उसने खाया तो मतलब नहीं ना, उसके लिए माहिती मार के निकालनी पड़ेगी, ये किसने टेंडर निकाला था, अब किसके बोलने पर टेंडर निकला था, फिर वो टेंडर किसने पास कराया थाने महानगर पालिका से, और किसके अकाउंट में पैसा आया। अभी फिलहाल के लिए तो जो हॉकर थे आपके साथ छोड़ दिया गया, तो अभी फिलहाल क्या करेंगे? ये आज हमारे साथ में पहली बार नहीं है इस्लाम भाई, ये तो हमारे साथ में हमेशा खेल खेली जा रहा है, और ये कब तक खेलेंगे? हॉकर जो है वो उनका ऐसा दावा है कि ये सारा खेल जो है आपकी वजह से खेला जा रहा है, हॉकर्स का दावा है, इतने हॉकर्स यहाँ कर देते हैं। अच्छा ये यहाँ तो आप बुराई करते हैं, यहाँ इतने जो हॉकर्स है आप एक से भी पूछ लीजिए, एक से भी पूछ लीजिए, इतने हॉकर्स है ना यहाँ पे, ये कोई हमारे घर के तो नहीं है, ये धंधा करने वाले लोग, इनसे पूछिए ना, इनसे पूछ लीजिए, बनी बनाई बातों में जाके मतलब नहीं है, आप प्रूफ करो। अभी मैं भी बोल सकता हूँ ये आदमी बोला ऐसा, मगर मेरे को ऐसा नहीं, कुछ भी बोलना नहीं है, और मेरे को किसी पे ना गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी हमारा हॉकर जोन है वो हमको दे दो, और हम उसके बाद हमको यहाँ से कार्रवाई करो, हम तो यहाँ से पहले गए थे आपके बोलने पर, और फिर आपके बोलने पर हम यहाँ आए,
आपने हमको आश्वासन दिया था कि मार्केट बनेगी तो फिर हमने हम आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इससे पहले देखो वहाँ पे एम गेट का वो जो क्या नाम है उसका दारुल अरे दरगाह गेट का ओपनिंग हुई थी, अवार्ड साहब ने उधर क्या बयान दिए थे कि वीर साहब मार्केट तेरी बन जाएगी तेरे को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। आप लोगों को शायद वो क्लिप होगी भी। आप देखिए ना भाई, मैं अभी कुछ बोलूँ बाद में कुछ बोलूँ तो कुछ दो तो बोलते हैं ना दूंगा, कब देंगे देंगे कब, वही तो हम भी मांग रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भाई दे दो। हमें ऐसा है कि आपको ऑफर मिल रहा है कि आप एनसीपी पार्टी में शामिल हो जाएं, उसके बाद ही मिलेगा। भाई हमको एनसीपी पार्टी में शामिल क्या होने, हमको जाना ही नहीं एनसीपी पार्टी में, हमको किसी पार्टी की जरूरत क्या बताइए। हम एक संसद लेके चल रहे, ऑफर हमको नहीं आया था, हमको उसकी बात ही नहीं करने का, हम क्या जरूरत है यानी बात नहीं करेंगे। ऑफर आया नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, ऑफर वो सब बात नहीं, जबरदस्ती का किसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल के मतलब नहीं, ये सब चीज़ें की बात नहीं।